अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू सालार व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मेरी आज की व्लॉगिंग में स्पेशल है नाश्ते के लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी। नाश्ते में फ्राई अंडा और ऑमलेट तो सबने खाया होगा, लेकिन मैं जो आज रेसिपी लेकर आई हूँ वो तो ना ही किसी ने खाया होगा ना ही किसी ने देखा होगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ में ऑनियन ले लिया था, प्याज ले लिया था, उसको मैंने स्लाइस में कट करके हाफ गिलास पानी ऐड करके तो बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो तकरीबन लो फ्लेम में 10 मिनट में ये पानी भी खुश्क हो गया था और प्याज अच्छे से ये गल गया था। तो अभी इसको मैं इसी चम्मच की मदद से मैश करूँगी। तो मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ पिज़्ज़ा स्टाइल अंडा। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी और ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार रेसिपी बनकर रेडी होती है। आप भी मेरी रेसिपी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, जैसे ही प्याज अच्छे से मैश हो गया है, पानी खुश्क हो गया है, तो इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। एक चम्मच मैंने भरा जो कुकिंग ऑयल है वो मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ। तो अभी इस प्याज को मैं इसमें लाइट ब्राउन करूँगी, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। इतना इसको करना है कि इसका कच्चापन प्याज का ख़त्म हो जाए, इसका कच्चापन का जायका ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, मैंने ये जो क्यूब्स बनाए हुए थे अदरक लहसुन के पेस्ट के और ये टमाटर के पेस्ट के भी मैंने क्यूब्स बनाए हुए थे, लेकिन लाइट चली गई तो क्यूब्स ख़राब हो गए। तो लेकिन आपके पास अगर फ्रेश है तो फ्रेश पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटरों को मैं कश कर लेती होती हूँ अगर फ्रेश हो तो, लेकिन अभी मैंने पेस्ट बनाया हुआ था तो इसलिए पहले मैं ये पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं फ्रेश यूज़ करूँगी। तो ये अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने एक साथ पेस्ट बना के रखा हुआ था, तो ये मैंने क्यूब्स की शेप में फ्रीज़ किया हुआ है। तो अभी अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से लाइट ब्राउन कलर हो गया है, उसका भी कच्चापन ख़त्म हो गया। तो इसमें मैंने ये पहले टमाटर का पेस्ट ऐड किया है और अभी ये देखें, इसमें पुदीना और सब्ज़ धनिया का पेस्ट है और इसमें सब्ज़ मिर्चें भी हैं। सब्ज़ मिर्चें, धनिया और पुदीने का पेस्ट वो भी मैंने इसी में एक साथ ही ऐड कर दिया है। तो देखें, वो अच्छे से मेल्ट हो गया था और इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अभी इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच चिली पाउडर और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, सॉरी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है। और थोड़ी सी मैंने अजवाइन इसमें ऐड की है और थोड़ी सी मैंने इसमें कलवंजी ऐड की है। अजवाइन और कलवंजी तो मैं सब कुकिंग में ऐड करती हूँ, क्योंकि कलवंजी में आपको पता ही है मुद के अलावा हर चीज़ का शिफा है, सारी बीमारियों की शिफा है। और कलवंजी मैं इसलिए ऐड करती हूँ कि ये हाजमेदार होती है और वैसे भी इसकी खुशबू अच्छी लगती है, जायका अच्छा आता है इसका कुकिंग में, तो मैं आम रूटीन में भी कुकिंग में ऐड करती हूँ। तो इस मसाले को मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया था, तो ये बहुत अच्छे से स्पाइसेस भी इसमें कुक हो गए हैं, इनका कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो इसमें मैं एग ऐड कर रही हूँ। तो एग मैं एक एक करके ऐसे ही ऐड करूँगी, इसको मिक्स नहीं करूँगी। जब मैं इसमें एग ऐड कर दूँगी तो इसको मैं दम पे, तो जैसे दम वाली आंच रखते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम कर दूँगी और ऊपर ढक्कन दे दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको मैंने रखा था, तो ये अंडे बहुत अच्छे से कुक हो गए थे। तो मैं इसमें 4 अंडे ऐड कर रही हूँ, जितना मैंने पेस्ट ऐड किया है उसके लिए 4 अंडे बहुत हैं। तो अभी लास्ट में ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग का मसाले में नमक बराबर है, सही है, तो फिर आप ऊपर मज़ीद नहीं ऐड करें। देखिए, मैंने ढक्कन दे दिया है। तो अब ये देखें, 15 मिनट बाद मैंने इसको देखा था फोक के साथ, तो ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है, इसका मसाला भी अच्छे से कुक हो गया था, ऊपर अंडा भी बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। मैं आपको ये देखें बता रही हूँ, ये देखें इसमें बिल्कुल भी नहीं कच्चा बन आया, बहुत अच्छे से ये कुक हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी बने थे, सबने बहुत पसंद किए थे। मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, मेरे अम्मी भाभी लोग, अम्मी अबू भाभी, बहन भाई, बहन और बहनोई, तो सब ने ये बहुत पसंद किए थे। ये पिज़्ज़ा स्टाइल अंडा नाश्ते में बहुत ही सबने पसंद किया था। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सब न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो आप भी अपने घर में मेरी ये सेम रेसिपी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी, सबको कैसी लगी ये रेसिपी। तो फिर हमने नाश्ता कर लिया था घर से, काम वाम करके फ्री हुए तो हम फिर निकल आए शॉपिंग के लिए। मेरे अम्मी अब्बू, मैंने जैसे कि आपको बताया है, वो आए हैं, तो वो फिर वॉशिंग मशीन और जूसर मशीन कह रहे थे लेकर देनी है। तो फिर हम शॉप पर आए थे सब इंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि मौसम भी अच्छा था, बादल थे, तो हमने सोचा चलो घूम फिर लेते हैं हम भी। तो ये सलार, अनाबिया ये मस्तियाँ कर रहे हैं। तो मैं ये वॉशिंग मशीन देख रही थी, मुझे भी इनमें से जो अच्छी लगी, अब्बू ने मुझे जो बोला कि जो लेनी है जो अच्छी लगी है वो चूज़ कर लो अपनी मर्ज़ी से, और जूसर भी उन्होंने लेकर दी। तो ये इसके बाबा हैं, ये भी देख रहे हैं कि क्या लेना है क्या नहीं। तो ये सलार सलार शॉप में बहुत मस्ती कर रहा था, ये तो अंकल वाली साइड पे चला गया और चीज़ें सारी इधर की उधर कर रहा था। और अंकल भी इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, इसको लिए बिल्कुल भी नहीं मना कर रहे थे, कह रहे थे कि जब तुम चले जाओगे तो मैं सारी चीज़ें जगह जगह कर लूँगा, भी तुम कर लो मस्तियाँ। तो ये माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रहा था बेबी बॉय। तो ये नाबिया शहजादी थक गई, अम्मी भी थक गए थे, वो भी चेयर पर बैठ गए, नाबिया भी बैठ गई थी। तो ये बस वैसे हम घूमने फिरने के लिए निकले, तो अम्मी कहती है कि मशीन लेनी है, जूसर लेनी है, तो वो फिर बस हम शॉप में आए, इन्होंने मुझे जूसर लेकर दी, स्पिन भी कह रहे थे, तो स्पिन मैंने कहा कि अभी बाद में लेंगे, अभी नहीं। ये देखें, ये शॉपकीपर है, सबसे छोटा शॉपकीपर, हम सबसे छोटे शॉपकीपर से बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदारी कर रहे हैं। छोटे से शॉपकीपर से हमने बड़ी सी वॉशिंग मशीन ली और जूसर मशीन ली, और मेरी छोटी भाभी ने कुछ डिशेस लिए, बर्तन लिए उन्होंने। ये बहुत मस्ती कर रहा था और सब बहुत खुश भी थे, अंकल भी देखकर बहुत खुश थे, इसको बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थे कि ये चीज़ें इधर उधर कर रहा है या उनकी जगह पर जा रहा है। तो मेरी छोटी भाभी देख रही थी शीशे के बर्तन, ये देखें शीशे के मांगे, ये बहुत प्यारे लग रहे थे, मुझे भी अच्छे लगे, लेकिन ये एक ही सेट था, तो ये फिर मेरी भाभी ने ले लिए अपने लिए। तो मैंने अपने लिए डिशेस देखी थी, स्वीट के लिए पिज़्ज़ा डिश है शीशे की, वो बहुत प्यारी लग रही थी, मैंने वो लिए। ये देखिए, ये अंकल ने मशीन तो हमारी अभी पैक कर दी, कर रहे हैं। तो ये मशीन हमने ली है। मामा जी, बाबा पास जाना है। तो ये देखें, ये ड्राई फ्रूट वाली डिशेस हैं, ये भी बहुत प्यारी लग रही हैं, ये मेरे पास ऑलरेडी थी इसलिए ये चीज़ें मैंने नहीं ली, तो मैंने ये ली ट्रे में। लेकिन ये मैंने अपने लिए ले लिए, लेकिन बाद में मेरी भाभी ये ले गई, कह रही थी कि ये फिर जब आएंगे तो आप अपने लिए और ले लेना। ये है तो पिज़्ज़ा रखने के लिए है, पिज़्ज़ा ट्रे है, लेकिन मैं ये यूज़ करती हूँ स्वीट डिश रसमलाई वगैरह बना कर रखती हूँ इसमें। और फिर हम दूसरी शॉप में गए तो शूज़ लेने, मम्मी ने भी शूज़ लिए, भाभी ने भी लिए, मैंने भी शूज़ लेने थे, लेकिन मैंने नहीं लिए, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे साथ क्या हुआ, मैं जो शूज़ लेने लगी तो मैंने जैसे ही शूज़ पहना, अभी पहना ही था, पहनते ही ये भी सही से पो मेरा अंदर गया ही नहीं था, तो मुझे भीड़ ने काट दिया अंदर, भीड़ ने अपना घर भी बनाया हुआ था जो येलो कलर की होती है, उसने काट दिया, और मुझे पहली बार उसने काटा था, और मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, मैं शॉप में ही रोने लग गई, मेरा पो इतना ज़्यादा फुल स्वेलिंग हो गई थी। फिर हम घर में आए, ऐसे ही मैं रोती रोती घर में आ गई, फिर मैंने शूज़ लिए ही नहीं, मैं उधर ही छोड़ आई। तो फिर मैं घर में आई तो इधर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बस जैसे हम घर पहुँचे तो फ़ौरन बारिश शुरू हो गई, बारिश और बिजली भी चमक रही थी, तो हम सही टाइम पे वापस घर पहुँच गए थे, क्योंकि फिर मैंने शूज़ नहीं लिए थे। जैसे मैंने शूज़ चेक करने के लिए पहना तो आगे भीड़ ने घर बनाया हुआ था फूल आगे, तो मेरे अंगूठे पे भीड़ ने काट दिया, उफ़ मुझे इतना दर्द हुआ, मैं उधर शॉप में ही रोने लग गई। फिर मेरे साथ वाली आंटी ने दम किया, उन्होंने ऊपर लोहा लगाया, पायोडीन लगाई, फिर अगले दिन सेट हुआ। फिर और भी शॉपिंग करनी थी, लेकिन इसकी वजह से मैं वापस आ गई, क्योंकि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अंगूठे में दर्द हो रहा था, नेल के पास भीड़ ने काटा था, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। फिर और शॉपिंग नहीं की, तो फिर ऐसे ही मैं वापस आ गई, फिर मैंने शूज़ भी नहीं लिए।
तो मौसम अच्छा था तो फिर मैंने बच्चों की थोड़ी सी वीडियो बनाई। जी पानी है, बारिश है, बारिश बरान दे बरान तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम जा रहे थे अम्मी लोगों को छोड़ने स्टॉप पर, बस स्टॉप पर। तो रास्ते में ही इसके बाबा ने गाड़ी वाले से बात की, उसको कॉल करके पूछा कि वो अभी कहाँ पर पहुँचे हैं। तो उन्होंने बताया कि आज हम जल्दी ही आ गए थे और हम तो चले गए। तो फिर हम लोग ऐसे ही वापस आ रहे थे, अब्बू और नाबिया के बाबा तो बड़ा ब्रीफकेस लेकर वो तो आगे चले गए घर के करीब, और हम ये पीछे सब जो है ना मस्तियों से हंसते हुए खुश होते हुए आ रहे थे। हम तो बहुत खुश हो गए थे कि चलो एक दिन और स्टे हो गया, एक दिन और मिल गया अम्मी लोगों के साथ गुजारने का। तो अम्मी लोग भी खुश थे कि मैं उनको पहले कह रही थी कि आज नहीं जाएं, कल चले जाना अम्मी जी। तो फिर देखी अल्लाह की कुदरत, गाड़ी उनकी चली गई। हम टाइम से गए थे लेकिन गाड़ी उनकी पहले ही आज चली गई, तो इसलिए वो फिर रुक गए। तो फिर हम लोग वापस आ गए सब आते हुए, बच्चों ने कुछ फ्लावर्स उतारे, तो फिर मैंने भी सलार को उतार के दिया। लेकिन सलार ऐसे ही कांटों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसको मैंने कांटे से मना किया तो उसने फ्लावर भी नहीं लिया, वो गुस्से से ऐसे ही भाग गया, उसने बहुत गुस्सा किया। तो बस हम बहुत ज़्यादा खुश थे। नेक्स्ट डे जब जी अम्मी लोग वापस जा रहे थे तो इनकी गाड़ी छूट गई, चले गए, गाड़ी चली गई थी। तो फिर ये लोग वापस आ गए, फिर ये अगले दिन अपने टाइम से पहले ही चले गए थे, गाड़ी आने से आधा घंटा पहले ही चले गए थे। तो फिर हमारा घर इतना सुनसान हो गया, घर खाली हो गया। वैसे भी तो मैं घर में अकेली होती हूँ, इतना फील नहीं होता, लेकिन जब इतने ज़्यादा मेहमान अचानक से वापस चले जाएं तो फिर दिल नहीं लगता। फिर मैंने फ़ोन भी अपनी मामा को बोला कि अम्मी आप लोग चले गए हैं तो मेरा घर में दिल नहीं लग रहा। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे क्या बोला, मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि बेटा मैंने आपके सामने नहीं बोला था, लेकिन मैं अपने दिल में कह रही थी कि अनम की हिम्मत है कि वो अकेली इधर रह लेती है, अकेली इसका दिल लगा हुआ है, हम इसकी जगह होते तो हम भाग गए होते। लेकिन खैर मुझे तो पता था कि मैंने अभी इधर ही रहना है, मुझे पता है कि मैंने अभी इधर ही टाइम गुजारना है, अपने हस्बैंड के साथ रहना है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा दिल क्या लगना है, मेरा तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिल भी लगा हुआ है, जाहिर है मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, 7 साल बाद उनके पास आई हूँ, बच्चे भी बहुत खुश हैं। लेकिन जब इसके बाबा चले जाते हैं तो सलार बहुत रोता है, जब कभी सलार के सामने जाते हैं वर्क पे तो ये बहुत ज़्यादा रोता है, इसको हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये नेक्स्ट डे इसकी वीडियो बना रहे थे तो ये बनवा ही नहीं रहा था, आगे आगे भाग रहा था। लेकिन जब इसकी वीडियो बना ली तो उसके बाद इसके बाबा चले गए अपनी ड्यूटी पर, तो बस ये इतना रोया उनके पीछे कि वो क्यों चले गए हैं। तो ये उनके पीछे भाग जाता है। इधर आओ, कहाँ जा रहे हो नाराज होकर सलार? नहीं बेटा रोते नहीं है मेरे बच्चिया, सलार ना ना नो बेबी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।